जय जगन्नाथ। वेलकम टू सोनी किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाएंगे साल्टी एंड स्वीट मखाना। मखाना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आज का रेसिपी बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब शुरू करेंगे आज की रेसिपी स्वीट एंड साल्टी मखाना। कम समय में टेस्टी और मजेदार रेसिपी सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल सोनी किचन एंड लाइफस्टाइल। इसके लिए हमको चाहिए एक बाउल मखाना, गुड़ चाहिए, फिर हमको चाहिए सौंफ और व्हाइट तिल। हम पहले बनाएंगे गुड़ वाली मखाना। एक प्यान लेंगे, उसमें हम डाल देंगे बटर या फिर एक टेबलस्पून घी। घी या बटर को मेल्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे एक कटोरी मखाना। मखाने को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। मखाने को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें क्रंचीनेस नहीं आ जाता है। हाथों में हम अच्छे से मखाने को प्रेस करेंगे। अगर ये क्रंचीनेस आ गया है तो हमारा मखाना भूनकर रेडी हो गया है। मखाना अभी भून गया है, उसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। फिर उसी प्यान में हम एक टेबलस्पून घी या बटर लेंगे। घी को मेल्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसमें हम डाल देंगे गुड़। आप अपने हिसाब से गुड़ डालिए। गुड़ को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा। हम उसको कंटिन्यूसली चलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक चुटकी भर बेकिंग सोडा। ज्यादा मत डालिए, एक चुटकी ही काफी है। डालने के बाद उसको थोड़ी देर भूनेंगे। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे हमारा फ्राइड मखाना। मखाना ऐड करने के बाद तुरंत ही हम उसके ऊपर डाल देंगे व्हाइट तिल। फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे सौंफ व फनेल से। इन सभी चीजों को डालने के बाद तुरंत ही उसको हम कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे। मिक्स करने से मखाने में गुड़ का एक कोट आ जाएगा। इसकी वजह से हम कंटिन्यूसली ही मखाने को मिक्स करेंगे। मैं बाद में और थोड़ा सा डाल रही हूँ व्हाइट तिल। व्हाइट तिल सौंफ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है और मुंह में डालने से बहुत मजा लगता है। अब हमारा गुड़ वाली मखाना रेडी हो गया। ठंडा होने के बाद हम इसको अलग कर देंगे। ये मखाने आप हर दिन दूध के साथ खाइए, आपके घुटने का दर्द चला जाएगा। अब हम बनाएंगे साल्टी मखाना। इसके लिए हम उसी प्यान में एक टेबलस्पून घी या बटर डालेंगे। बटर मेल्ट हो जाने के बाद हम उसमें एक कटोरी मखाना डालेंगे। मखाने को उसी प्रोसेस में हम भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हमारा मखाना रेडी हो जाता है। अब इसके लिए हम बनाएंगे ड्राई मसाला। इसके लिए हमको चाहिए एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हमको चाहिए हींग, इसके बाद हमको चाहिए सफेद नमक, अब हम लेंगे हाफ टीस्पून काला नमक एंड हाफ टीस्पून हमको चाहिए अमचूर का पाउडर। अमचूर के पाउडर की वजह से मखाना बहुत चटपटा लगता है। इन सभी मसाले को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ड्राई मसाला भी रेडी हो गया है। हमारा मखाना भी भूनकर रेडी हो गया है। हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अभी
उसी प्यान में फिर से हम एक टीस्पून या बटर लेंगे या फिर घी लेंगे। मेल्ट हो जाने के बाद बटर या घी उसमें हम डाल देंगे ड्राई मसाला। मसाले को थोड़ी देर मिक्स करेंगे घी के साथ। तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे फ्राइड मखाने को। मखाने को हम कंटिन्यूसली उस मसाले में मिक्स करेंगे। तुरंत ही आप इसको मसाले के साथ मिक्स कर दीजिए। मैं जैसे मिला रही हूँ अब उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अब हमारा सल्टी मखाना बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल देंगे। अगर आप ट्रेन में घूमने जा रहे हैं तो आप ये मखाने को डब्बे में ले सकते हैं। ये दोनों रेसिपी बहुत झटपट बनकर रेडी हो जाता है। अगर कोई लोग जिम करते हैं तो ये रेसिपी आप घर में जरूर ट्राई कीजिए और खाइए, बहुत हेल्दी है। इस रेसिपी का सारे इंग्रेडिएंट्स आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। स्पेशली ये गुड़ वाले मखाने घुटनों दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही मजेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल सोनी किचन एंड लाइफस्टाइल। धन्यवाद।